शहडोल में अवैध रेत माफियाओं ने एएसआई को कुचला, बुलडोजर से गिराया गया उसका मकान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द खबरदार न्यूज में। तो इस वक्त की बड़ी खबर शहडोल से आ रही है, जहां शनिवार रविवार के दरमियानी रात ब्योहारी थाना इलाके में रेत का अवैध परिवहन रोकने गए एएसआई महेंद्र बागरी को ट्रैक्टर ट्राली चालक ने कुचल दिया। घटना के बाद रविवार दोपहर को पुलिस और प्रशासन ने ट्रैक्टर मालिक सुरेंद्र सिंह के अवैध मकान पर बुलडोजर चलाकर गिरा दिया। बता दें, एएसआई बागरी एक आपराधिक मामले में फरार स्थायी वारंटी को पकड़ने बड़ौली गांव गए थे। इसी दौरान खड़ौली गांव के पास सामने से अवैध रेत से भरी ट्रैक्टर ट्राली आती दिखी। बागरी ने उसे रोकने का इशारा किया, लेकिन ड्राइवर ने उन्हें कुचलता हुआ ट्रैक्टर आगे बढ़ा दिया। एएसआई की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रैक्टर चालक राज रावत उर्फ विजय और उसके साथी आशुतोष को रात में ही गिरफ्तार कर लिया गया। ट्रैक्टर मालिक सुरेंद्र सिंह की तलाश में पुलिस टीमें दाविज दे रही हैं। उस पर 30,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। बता दें, सुरेंद्र सिंह पहले भी रेत चोरी के आरोप में गिरफ्तार हो चुका है। सुरेंद्र और आशुतोष को जिला बदर किया जाएगा। वहीं एएसआई बागरी की पत्नी दुर्गावती और मां सबको देखकर बिलख पड़ी। पोस्टमार्टम के बाद परिजन सब लेकर घर जाने लगे, लेकिन एफएसएल टीम को ब्लड सैंपल चाहिए था। ऐसे में सबको दोबारा पीएम हाउस लाया गया। सर, क्या है ये पूरा मामला? नमस्कार, मैं डीसी सागर ईडी शहडोल जोन, और मेरे साथ इस वक्त हैं पुलिस अधीक्षक शहडोल। ये अत्यंत ही हृदय विदारक घटना है कि कल व्यवहार में पदस्थ एक एएसआई श्री महेंद्र बागरी जी और उनके दो साथी ये स्थायी वारंटियों की तलाश में निकले थे, और इनको रास्ते में एक बहुत ही तेज और लापरवाहपूर्ण तरह से चलाते हुए वाहन दिखा, तो इन्होंने रुककर उसे हाथ देकर रोकने का प्रयास किया। वो वाहन नहीं रुका, उस वाहन ने एएसआई को टक्कर मारी और उसको रौंदते हुए वहाँ पर नवनिर्मित एक पुलिया है, वाहन उससे टकराया। तब तक जो ट्रैक्टर का जो ड्राइवर है वो वहाँ से टूट कर भाग गया, और ट्रॉली जो है वो पुलिया से नीचे गिरी, जो कि लगभग 8-10 फीट गहरी थी, और ट्रैक्टर तो उसके पहिए पुलिया में ही अटक गए। ट्रैक्टर का जो ड्राइवर है वो पुलिस की हिरासत में है, और उसकी पूछताछ में उसके साथ जो सहयोगी चल रहा था पायलटिंग करते मोटरसाइकिल से, वो भी पुलिस की हिरासत में है, और जो ट्रैक्टर ट्रॉली का मालिक है वो अभी फरार है, और उसकी गिरफ्तारी के लिए, उसकी सूचना के लिए जो भी देगा मेरे द्वारा 30,000 का इनाम घोषित किया गया है। इसमें धारा 302, 334, 414 और खनिज अधिनियम और चोरी की धाराओं का इसमें समावेश किया गया है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो। बता दें, एएसआई बागरी की ब्योहारी थाने में 3 मार्च 2024 को पोस्टिंग हुई थी। वे मूल रूप से सतना जिले के सिंहपुर थाना इलाके के मसनहा गांव के रहने वाले थे, और उनकी पत्नी और 3 बेटियां हैं। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने घटना पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और सरकार अपराधियों पर कार्यवाही नहीं कर रही है। यह घटना रेत माफियाओं के बढ़ते प्रभाव और पुलिस पर उनके हमलों का एक चिंताजनक उदाहरण पेश करती है। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों से बने रहने के लिए देखते रहें द खबरदार न्यूज़। तब तक के लिए धन्यवाद।